कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए 31 मार्च तक कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान सब्जी राशन जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आए और जिले में बेहतर व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी और पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने व्यापारियों के साथ बैठक रखी। बैठक में जिला पंचायत के प्रमुख कार्यपालन अधिकारी श्री एच पी वर्मा, अपर कलेक्टर आर एस बालोदिया, एसडीएम अतेंद्र सिंह गुर्जर और शहर के व्यापारी उपस्थित थे। आमजनों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध रहे, इसके लिए घर घर जाकर डिलीवरी की सुविधा की जा रही है। कलेक्टर अनुग्रह पी ने बैठक में कहा कि जो व्यक्ति घर घर जाकर डिलीवरी करेंगे, जिन स्टोर के द्वारा होम डिलीवरी की जाएगी, उन्हें पास जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यक सामग्री की आपूर्ति एवं परिवहन में कमी ना आए, इसके लिए भी पास बनवाए और उसका उपयोग कर समय पर माल का परिवहन करें। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं के लिए परिवहन पर प्रतिबंध नहीं है। यह भी ध्यान रखें कि जो स्टाफ सामग्री वितरण के लिए जाएगा, वह भी पूरा सुरक्षा और सावधानी बरते, मास्क, सैनिटाइजर आदि का उपयोग करे। शिवपुरी से देवेश सेन की रिपोर्ट। उनकी कल से ये व्यवस्था हमने की है कि आपको सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आपके घर पर ही सब्जी का ठेला, फल का ठेला, दूध की सप्लाई, अखबार की सप्लाई की जाएगी और आप ऑनलाइन या SMS करके या कॉल करके अपने आसपास के किराना स्टोर से घर में सप्लाई मंगा सकते हैं। उनको उसके लिए पासेस दिए जा रहे हैं। जो ऐसे लोग जो डोर टू डोर सप्लाई करना चाहते हैं, उनको हम पासेस देंगे और उनके लिए कुछ लोगों तैयार भी हो गए हैं, तो वो भी आप क्या करेंगे। एक बात बड़ा स्पष्ट है कि कोई भी दुकान पे जाके आपको ना तो दूध डेयरी पे जाना है दूध लेने के लिए, ना सब्जी की मंडी में जाना है आपको सब्जी लेने के लिए, ना सब्जी की दुकान पे जाना है, ना ही फल की दुकान पे जाना है। ये सारी चीज़ें आपको प्रशासन उपलब्ध कराएगा, उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था कल से की गई है और वो आपके लिए रहेगा। और किराने का जो है, अभी यही हुआ है कि जिन लोगों के नंबर्स आपको डिस्प्ले किया गया पेपर में भी कल आ जाएंगे, तो उनको आप फ़ोन करके अपने घर पे सप्लाई मंगा सकते हैं। और जनरल जो स्टोर्स हैं, अपने किराना के स्टोर्स जो अलग अलग जगहों पे हैं, वो भी अगर डोर टू डोर सप्लाई करना चाहते हैं किसी व्यक्ति से, तो वो अगर संबंधित थाने को बताएंगे तो वो उनको अलाउ करेंगे। लेकिन वहाँ जाके आपको दुकान में जाके कुछ नहीं लेना, ताकि आप भीड़ से बचो, और भीड़ से बचो तो कोरोना से बचो आप, जो हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है इस समय पे। तो मुझे उम्मीद है कि हमको पूरी जनता सहयोग करेगी और हम कोरोना की लड़ाई में सक्सेस होंगे और हम बचा पाएंगे सबको इस महामारी से। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।